You know, this is a very important session and we wanted to have more spokesperson, but Priyanka ji aa nahi pai. It's about the thin line that a spokesperson treads. So, kaise wo party ki line le, kaise sach bole, kaise tathya laye aur kaise hyperbole ko balance kare. Alok ji, aap sampadak reh chuke hain, aapka 4 dashak ka experience hai jab se TV Hindustan mein aaya hai. To aapne pura daur dekha hai. आपने संपादक देखे हैं, मालिकों के बदलते रंग देखे हैं, मालिक देखे हैं, तो आपसे बेहतर कोई और आज पिछले 5-7 साल में आप टीवी डिबेट्स पे, बड़े इवेंट्स पे, चाहे वो इलेक्शन हो, बजट हो, कोई बड़ी डेवलपमेंट हो, आप चर्चा के लिए हर मेजर चैनल पे होते हैं. तो थोड़ा सा मुझे आप स्पोक्सपर्सन के बारे में बताइए. मैं पूछ रहा हूँ, क्या स्पोक्सपर्सन चेंज हो गए हैं? अब देखिए, मनीष तिवारी जी स्पोक्सपर्सन थे, वो INB मिनिस्टर बने. निर्मला जी स्पोक्सपर्सन थी, वो देश की वित्त मंत्री हैं. आनंद शर्मा, उनमें बहुत बीजेपी से हमारी जूरी में सुधांशु त्रिवेदी जी थे, GVL नरसिम्हा राव जी थे, गौरव भाटिया जी थे, शाजिया. तो थोड़ा स्पोक्सपर्सन के बदलते, क्या वो बैलेंस ला पाते हैं या उनसे बैलेंस एक्सपेक्ट करना? तो शाजिया जी, मैंने इनसे प्रश्न पूछा, दिस अबाउट स्पोक्सपर्सन बीइंग बैलेंस्ड. तो मैं आलोक जी उसका उत्तर दे रहे थे. क्योंकि शुरू वैसे तो मैं चाहता था शाजिया जी पहले बोले, भाई बात ही अब तो संवाद है हम लोगों का, और बेहतर होता कि प्रियंका जी भी जो आने वाली थी वो नहीं आई है, लेकिन आप समझिए कि हमें अनुराग जी और हम लोग उनकी तरफ से भी बात करेंगे ना. जो बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने भी, वो किस समय कांग्रेस की प्रवक्ता रही, फिर वो इस समय शिवसेना की प्रवक्ता है. शाजिया जी भी आप पार्टी में भी रही और उसके बाद अब BJP में है. तो एक बड़ी चुनौती तो होती है जो आप किसी प्रोफेशन से आकर के यदि उसमें आते हैं प्रवक्ता बन करके, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात है. अनुराग जी, असल में वैसे पिछले साल भी हम लोगों ने बात की थी, कुछ तो मैं जिक्र किया था, लेकिन आज भी कुछ अपने मित्र या ऐसे होंगे जो शायद पिछले साल ना हो या याद ना रहे हो, शाजिया जी के लिए भी, बैकग्राउंड के लिए. देखिए, पहले BJP कहेगा, अडवाणी जी भी बेसिकली स्पोक्समैन थे पार्टी के, उस नाते वही ब्रीफ किया करते थे ना, जिस समय महानगर परिषद से लेकर पार्टी में. ये ठीक है, TV तब नहीं आया था, लेकिन मीडिया में जो बहुत क्रिटिकल लोग होते थे उनके साथ भी उनको डील करना होता था. उदाहरण के लिए बताया, कांग्रेस में श्रीकांत वर्मा वॉज फर्स्ट स्पोक्समैन पार्टी की तरफ से. शारदा प्रसाद सरकार के थे, मैंने इंदिरा गांधी के सलाहकार, सूचना सलाहकार, लेकिन श्रीकांत वर्मा पार्टी में एक तरह से, उसके बाद में चंद्राकर जी भी बने, चंद्रलाल चंद्राकर, जो बाद में मंत्री भी बने. तो अपने वो सब दौर देखे इन पार्टियों में, खास करके बाद में समाजवादी वगैरह में, तो प्रवक्ता जो पार्टी की जनरल से, और आमतौर पर पहले पार्टी के लिए कुछ विचार के लिए आप तो कुछ देते हैं और उसके बाद हो सकता है ऑफिस, जैसे अभी शाजिया जी अब जनरल सेक्रेटरी नहीं बनी, या मान लो हो सकता है कल बन जाए, जब नया संगठन अभी अमित शाह जी बना रहे हैं तो ये हो जाए, तो फिर वो ऑफिस बेरर बन जाते हैं. तो एक तो उनका एक उस पूरे आइडियोलॉजिकल जो उनका कमिटमेंट है, उसका जो पुराना बैकग्राउंड है, यदि उन्होंने पढ़ा हो. मैं इसीलिए पिछली बार मैंने किसी से पूछा था, जब मुझे याद नहीं, संजय झा जी थे शायद, आज भी हम लोग हमारे व्यूर में भी रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा, भाई आपने नाम श्रीकांत वर्मा का सुना, तो कई लोग ऐसे जिन्होंने उनका नाम ही नहीं सुना हो, क्योंकि पीढ़ी बदल गई. तो वो एक कल्चर था कि आप कितना ही क्रिटिकल हो और उसके बाद भी आप दूसरों के साथ कैसे संवाद करें. अब हुआ यह, जो आपने, चूँकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कि वो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन हमारे मित्र अर्नब जी की तरह से एक शुरुआत हुई है चैनल्स में, ज़्यादा जोर शोर से, कि भाई आप पूरा जोर लगा करके बोलिए और डांटिए, तो प्रवक्ता भी डांटने लगे. तो हम लोग जिम्मेदार हैं, मतलब मीडिया, मालूम मैं ही कहूँ कि अनुराग जी आप इतना तीखा लिखिए कि बस सारे मीडिया को ध्वस्त कर दीजिएगा, आप ऐसा लिखिए, वरना मैं कहूँगा भाई ऐसा मत लिखिएगा ना कि कोई, सब लोग पढ़ते हैं, मीडिया वाले पढ़ेगा, पब्लिक चाहे, हो सकता है हमें गाली देती हो, लेकिन इतना मत लिखिए कि लोग वो हमारे बात ना सुने. तो प्रवक्ताओं का भी थोड़ा सा उनको एक पंपिंग, जिसको कहना चाहिए, कहा गया कि वो ज़्यादा बोलेंगे तो शायद ज़्यादा उनकी बात सुनी जाएगी. फिर दुर्भाग्य ये हुआ कि पिछले 2-3 वर्षों में, खास करके मैं पुराने इतिहास का तो संक्षिप्त बज किया, हुआ ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी, शाजिया जी को या और संबित पात्रा को ये नहीं कहते हुए जा करके, वहाँ जाके तुम गाली देना, मतलब जाके फटक देना. कांग्रेस में भी सोनिया गांधी या हो सकता है राहुल गांधी भी नहीं कहते हो, लेकिन जो उनके जो दूसरे हेड्स हैं वो कहते हैं कि भाई तुम जा करके वहाँ आलोक मेहता का बिल्कुल, उनके बिल्कुल कुछ भी उनको बोलने मत देना, या मतलब वो बोल रहे हो तो कुछ भी उनको, तो तुमको कुछ आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम अनपढ़ो. जैसे प्रवीण तोगड़िया थे, तो एक मनोज रघुवंशी के प्रोग्राम में उन्होंने
मैं ही था उसमें, बहुत पहले की बात है, कौन सा चैनल था मुझे याद नहीं आ रहा। और कौन एंकर थे? मनोज रघुवंशी। मनोज रघुवंशी जी। तो प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भैया ये लोग बेहतर तो अनपढ़ है, तो खैर बेहतर तो रिएक्ट नहीं किया ना, वो कह रहे अनपढ़ कह दीजिए। तब इतना गर्मा गर्मी नहीं होती थी, बाहर भी निकले, हम लोगों ने बात किया, हमने उठ के नहीं गए कि भाई ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं सौ कुछ सुना करके मैंने कहा नहीं, आपकी जो है थोड़ा बहुत हम भी धर्म को जानते हैं। तो होता क्या है कि अब एक तो टॉलरेंस नहीं रहा, और मीडिया को यदि उनके हेड यदि कहे कि तुम जाकर के मीडिया को, चूंकि वो एनडीटीवी तुम्हारे साथ नहीं है या अन्नम नहीं है, तो तुम जाकर के उसका गला दबा दो, मतलब उसकी आवाज़ रोक दो। ये जो ट्रेंड है ये मैं समझता हूँ कि अच्छे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी टॉप लीडरशिप से ज़्यादा उन लोगों की है जो सेकंड लाइन को कहते हैं। जैसे अपने रिपोर्टर कहे तो जाके आज तुम्हें इस पर खिलाफ ही लिखना, आज आम आदमी पार्टी, मैं हमेशा कहता हूँ अपने रिपोर्टर को आप ये मत कहिए, अपने स्पोक्समैन को, कि दूसरे का उसको बिल्कुल बेइज्जत करने के लिए आपको जा रहे हैं। आप उसकी अपनी इज्जत भी बढ़ाइए, उसकी इज्जत बढ़ाइए, चूँकि आप एक प्रोफेशन में हैं। मैं खाली ज़्यादा लंबा में बोलूँ, शाजिया जी को पहले बोल रहे हैं। शाजिया जी, द टॉपिक्स इज द बैलेंस, द थिन लाइन दैट द स्पोक्सपर्सन ट्रेंड्स। सो व्हेन आई थिंक यू मीन ट्रेड, देन ट्रेंड, राइट, ट्रेड। सो आप कोशिश करते हैं कि आप बैलेंस रखें और कॉन्टेंट लाएं, but how do you deal with other spokesperson when they lose their balance in the other party? There are some in your party that lose the balance also, but of course. तो देखिए, आपने आइडियोलॉजी की बात की, एक प्रवक्ता का जो मुख्य तौर पर उसका जो फ़र्ज़ है उसकी बात बताई, और जिम्मेदारी की बात की, और किस तरह से नपे तुले तरीके से संतुलन के साथ और थोड़ी बहुत शायस्तगी के साथ आलोक जी अपनी बात को रखा जाए, बजाय किसी को ठेस पहुंचाने के या तकलीफ़ देने के, और अपनी बात को भी रखने में। लेकिन मैं आपको बताऊँगी, एक मैंने ये बात सोच के रखी है कि किस वजह से मैं पत्रकारिता में आई, किस वजह से मैं अन्ना हज़ारे आंदोलन में गई, किस तरह से वो भी अन्ना हज़ारे आंदोलन भी एक पार्टी के रूप में तब्दील हुआ, और फिर पूरी जर्नी सबके सामने है। मैं सबसे पहले छोड़ने वालों में से थी, और अब मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ और राष्ट्रीय और उपाध्यक्ष भी हूँ दिल्ली स्टेट प्रदेश की। कुछ चीज़ें हैं, मैं क्यों बुनियादी तौर पर मैं वहाँ हूँ, क्या मैं सिर्फ प्रवक्ता बनने के लिए या पत्रकार बनने के लिए या पॉलिटिक्स में आकर MP MLA बनने के लिए हूँ, या मुझे कुछ कहना है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई भी भ्रष्टाचारी हो या बलात्कारी हो या जिसका रिकॉर्ड ऐसा रहा हो औरतों के मुतालिक, चाहे वो मेरी पार्टी में हो या किसी और पार्टी में हो, मैं कभी भी उसकी तरफदारी नहीं करूँगी। कुछ चीज़ें मैंने गांठ से बांध के रखी हैं, मतलब कोई चीज़ें होती हैं जो इनडिफेंसिबल होती हैं, मुझे लगता है ये उनमें से है। मेरा मुख्य तौर पर, क्योंकि मैंने अपना पत्रकारिता का पूरा करियर भी छोड़ा अन्ना हज़ारे आंदोलन के वक्त में, तो ये था कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई है, तो उस लड़ाई में मैं कभी भी, और अगर मेरी पार्टी में भी कभी ऐसा होगा, मैं सबसे पहले बोलने वालों में से होंगी। कुलदीप सेंगर का मामला आया, नित्यानंद जी का पूरा मामला आया सामने, चिन्मयानंद जी का, माफ़ी चाहती हूँ। और आप देखिए, मैंने खुद से कहा मैं कभी भी इसको ना तो कंडोन करूँगी या किसी भी तरह से डिफेंड करूँगी। कुछ दिन पहले मेरी पार्टी के बहुत से लोगों ने, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और शायद आवेश में आकर या कुछ इलेक्शन का ऐसा मौका था कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, दोनों सांसद है, एक मिनिस्टर है भारत सरकार में, तो और बाकायदा कॉन्क्लेव से मुझे, तो मैं घुमा फिरा के मैंने उस बात को नहीं रखा। मेरे वो दोस्त हैं, मुझे लगता है बहुत ज़िम्मेदार वो लोग हैं, उन्होंने क्यों ऐसा कहा, लेकिन सबसे पहले तो मैंने कहा वो मेरे अल्फाज नहीं हो सकते, और ना मैं कभी ऐसे अल्फाजों का या शब्दों का चयन करती, अल्फाज का या शब्दों का चयन करती। लेकिन जब साफ तौर से पूछा गया कि आप घुमा फिरा के ना बात को रखिए, तो मैंने कहा हाँ, वो मैं पूरी तरह से कहती हूँ कि वो गलत था, इस तरह की भाषा का किसी भी कम्युनिटी के बारे में नहीं कहना चाहिए। और अगर हम किसी को भी बलात्कारी कह देंगे, तो हम बलात्कार जैसी बहुत संजीदा चीज़ का, और जो ऐसा ट्रिविलाइज कर रहे हैं कि भाई वो बेकार आदमी है, वो तो बलात्कारी है, आप ये नहीं कह सकते, आप अग्री नहीं करते लेकिन आप बलात्कारी नहीं कह सकते। तो एक प्योरिटी ऑफ पर्पस वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगा कि बहुत मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने खुल के बोला, लेकिन कुछ ही दिनों में हमने सुना टाइम्स नाउ के समिट में अमित शाह ने साफ साफ कहा कि सब बातों से हमारा नुकसान भी हुआ है और ये ठीक नहीं रहा। लेकिन कभी कभी बहुत मज़ेदार चीज़ें भी होती हैं, और मतलब समझ में नहीं आता है। जैसे मुझे याद है अन्ना हज़ारे आंदोलन में, आपको याद होगा जब शरद पवार जी को किसी ने एक थप्पड़ मारा था, तो अब वो बहुत ही अजीबोगरीब हो गया था। अच्छा, अन्ना हज़ारे जी ने कुछ ऐसी बात कही है, अनुराग जी एंड सबको सीरियस नहीं होना चाहिए तो इसको सुनिएगा, क्योंकि मेरे लिए इतना मुश्किल था। अन्ना हज़ारे ने कहा बस एक ही थप्पड़ मारा, याद है आपको? तो उस पर बड़ा सब लोग ने बहुत लिखा,
अब मैं क्या करूं, अब मैं बड़े बड़े चैनल में, अब समझ में नहीं आया. तो इसमें देखिए, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से अपनी बात को कर सकते हो. मैंने कोशिश की तो मैंने कहा भाई देखिए, अन्ना हजारे ये कहना चाह रहे थे कि एक थप्पड़ मारा, दो थप्पड़ मारे, वो जानना चाह रहे थे, वो संज्ञान ले रहे थे उस बात का. इट वॉज अ क्वेश्चन, नॉट अ कॉमेंट. यस, तो मैंने उस तरह से उसको थोड़ा लीप अप होती कि जो भी अन्ना जी के मन में होगा. अन्ना जी सिंपल, साधारण और बहुत ही सरल सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी बहुत मुश्किल सिचुएशंस आती हैं. दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई सम थिंग्स दैट आर पार्टी पीपल डू, एंड समटाइम्स दे कुड बी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स. सो व्हाट डू यू डू? सो मोर और लेस यू फॉलो द बेसिक पार्टी लाइन. And yes, during triple talaq, I endured some of the most vilest, horrible, ugly things that no woman should have to endure. कि किस तरह की आप मुसलमान महिला हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, अपना हुलिया तो देखिए, किस तरह की आप औरत हैं बताइए. तो मतलब ये बहुत ही, तो मुझे लगता है तब भी बतौर स्पोक्सपर्सन मुझे बदला नहीं लेना चाहिए था, मुझे फ़ौरन तपाक से जवाब नहीं देना चाहिए था. और मैंने कहीं ना कहीं अब जो एक शालीन तरीके से बात करने का था उसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया. मैंने कहा हमें क्या पता आप घर में क्या करते हैं, आपकी बीवी बेटियां कैसी हैं. मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था, मुझे अपनी बात को डिफेंड करना चाहिए था. लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि कोई अगर गिर रहा है, कम से कम मेरी तहजीब तो मुझे नहीं इजाज़त देती. तो मुझे लगता है आप कहीं इस पर ज़ेर हो जाएँ, आपकी हार हो जाए, पराजय हो जाए, शिकस्त हो जाए, वो बेहतर है. यू डोंट ऑलवेज हैव टू विन द आर्ग्यूमेंट, यू कैन लूज द आर्ग्यूमेंट, एज दे से यू कैन लूज द बैटल बट विन द वॉर. सो यू ओनली विन द वॉर विथ मॉडरेशन, विथ डिसेंसी, विथ इंटेग्रिटी एंड ट्रूथ. एंड आई हैव मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, आई थिंक आई मेड फ्यूअर मिस्टेक्स इन अदर्स, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर व्यूज एज मच एज यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स व्यूज. सो दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. इज देयर अनदर स्पोक्सपर्सन दैट यू लुक अप टू, he or she in your party, out in any other party, who you think is very content oriented, balanced, is very forceful in what he or she says, but you know they're balanced or they are more balanced than others? Mujhe apni hi party ke Sudhanshu Trivedi bahut acche lagte hain. Mujhe lagta hai bahut hi content ke sath, shaistagi ke sath, aur ek हर एक चीज़ का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड देकर, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ देकर वो बात करते हैं और कायदे से बात करते हैं, आवेश में नहीं आते और बिला वजह के मजाक नहीं करते. तो मुझे लगता है कि हर वक्त आप कोई आप जंगजू होकर बिल्कुल आप दंगल में उतर पड़े हैं और अखाड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि हम ग्लैडिएटर्स आ गए हैं एरिना में. नो, वी आर नॉट ग्लैडिएटर्स, वी शुड गो बैक. और लोगों को भी मज़ा आने लगा है. सो जस्ट एज वी ऑल ब्लेम द टीवी चैनल्स एंड सम एंकर्स एंड सम पैनलिस्ट and some spokesperson, I must also bring the responsibility back to the viewers. अगर आपको इन सब में मज़ा आ रहा है कि कितनी लड़ाई हो रही है, दो लोग चीख रहे हैं, कोई किसी को चपरासी कह रहा है, कोई किसी को चौकीदार कह रहा है, इसमें किसी का मतलब भी पूरा कद जो गिरता है वो ओवरऑल समाज का गिरता है. उससे उस डिबेट का तो लेवल कम होता ही है, हम सबका होता है, लेकिन पूरी सोसाइटी का, पूरे स्टैंडर्ड्स का पतन होता है. तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं है. आलोक जी, आपने अभी एक करंट क्रॉप देखी है, ये पीढ़ी देखी है, इससे पहले की पीढ़ी देखी है, मुझे आप दो स्पोक्सपर्सन, अभी आप संपादक ज़्यादा हैं, स्पोक्सपर्सन नहीं है पार्टी के, विश्लेषक हैं आप, यू आर एक्सपर्ट कमेंटेटर एंड समबडी हु हैज़ द बैकग्राउंड टू मोस्ट इश्यूज, यू नो आई हर्ड अ न्यूज स्टोरी फ्रॉम यू जस्ट आउटसाइड. दो पुराने दौर के स्पोक्सपर्सन जिनमें बैलेंस था, ग्रेविटास था, और दो करंट, बताइए मुझे आप. देखिए अभी बल्कि जैसे इन्होंने सुधांशु जी का नाम लिया, तो सुषमा जी पार्टी हाँ, वो भी बहुत मतलब इतना बैलेंस आप उन पर कितने, और मैंने इसलिए अडवाणी जी का भी कहा, मैंने अडवाणी जी पर कितनी क्रिटिकल स्टोरीज लिखी हैं, बाकायदा मैंने इसको कहते हैं कवि स्टोरी लिखी, आउटलुक जैसी मैगजीन में भी, अखबारों में भी, बट वो जब भी कभी मिलते थे, वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे, मैं तो जनता पार्टी जमाने से लेकर के बाद तक कभी, और इसीलिए मतलब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के नाते भी तो थे ना पहले, तो सुषमा जी, अरुण जेटली जी भी, कम से कम सामने बातचीत के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मतलब उनको क्रेडिट देना चाहिए. ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड में हो सकता है वो किसी पर क्रिटिकल बोलते हों, लेकिन उनके भी जितने फ्रेंडली रिलेशन थे, ये दो बीजेपी के एक बड़े स्टॉलवर्ट्स हाल के वर्षों में, और मैंने इवन वाजपेयी जी, मतलब बल्कि मैं एग्जाम्पल बताऊँ कि वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक तरह से पहले तो वही प्रेस से मिलते थे, एक जमाने में जब प्रवक्ता नहीं होते थे, क्योंकि आपने कहा कैसे लिबरल हुआ जाता है,
तो उनको किसी ने कहा कि भाई मैं कुछ जसवंत सिंह पर कुछ टिप्पणी हम कुछ छपी थी, मैं क्रिटिकल लिखा हुआ था, और भी कुछ चीज़ें होंगी जो बीजेपी को लेकर क्रिटिकल होगा सरकार को, तो उनको अशोक टंडन जी उनके प्रेस एडवाइज़र थे, और तो वहाँ उनको जब वो बना कि बाहर विदेश वाले जब पत्रकार जाते थे, आजकल तो कम जाते, भाई इनको आलोक जी को क्यों ले जा रहे हैं, ये तो क्रिटिकल छापते हैं। तो अटल जी ने धीमे से कहा, ये अशोक टंडन ने बताया, इसलिए नहीं कि मेरी तारीफ की बात नहीं कर रहा, वो उनको बता, अटल जी की तारीफ उससे जाती है, उनने कहा अरे उनको अपन ने खरीदा नहीं ना, इसलिए चलने दीजिए उनको। तो ये एक अप्रोच होता है, यदि क्रिटिकल है। शंकर दयाल शर्मा, वो भी एक जमाने में अध्यक्ष थे, आपने दो नाम पूछे, मैं कई नाम बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बड़े नाम बता रहा हूँ, श्रीकांत वर्मा से भी पहले, फिर बाद में उनके साथ भी मैं ट्रिप में था, और मुझे आज भी याद है ओमान के एम्बेसडर, मतलब वो राष्ट्रपति हैं, और हम उनके साथ चल रहे हैं, और उनकी ट्रिप को लेकर हमने क्रिटिकल, मैंने रिपोर्ट लिखी, एक ये नहीं कहा कि भाई इसको उतार दो प्लेन से, अगले प्लेन से उतार देंगे, तो बने वो लोग ऐसे लिबरल रहे। अच्छा, आजकल है मनीष तिवारी, अब देखें वो बहुत ही, जैसे सुधांशु जी का आपने कहा, बीजेपी में मैंने उन मनीष का आप उनके डिबेट्स में देखें, हम लोग भी कई बार बहुत डिफर करते रहे कांग्रेस को अंदर से भी जानते हुए या बीजेपी पर, तो उनमें कभी वो नहीं रहा, बल्कि इंटरेस्टिंग में आप प्रवक्ता कह रहे हैं, मतलब अमर सिंह कभी कभी क्रिटिकल ज़्यादा हो जाते थे ओपनली, यदि कहें प्रवक्ता के नाते ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, मतलब आप तो बीमार है बहुत इसलिए नहीं कहें, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा होगा अकेले में आपसे कई बार ये क्या तुम्हारा ये छाप रहा है या तुम्हें बोल रहा है क्या कर रहा है, लेकिन मुलायम सिंह वॉज डिफरेंट, मुलायम सिंह टॉलरेट कर लेते थे, आप क्रिटिकल हो कितना ही खिलाफ छापा हो, और मैं अभी अपने मित्र उनको बता रहा था आउटलुक में इतना खिलाफ छपते हुए, वो हिंदी आउटलुक के लिए उन्होंने 40 पेज का विज्ञापन दे दिया हिंदी मैगजीन के लिए, जबकि उस पर उनके खिलाफ कोई रिसर्च करेगा आर्काइव में से, अपने मित्र यहाँ पर युवा बहुत सारे हैं, तो बहुत क्रिटिकल उस जमाने आउटलुक में छप रहा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्पोक्समैन हो, ये अच्छे स्पोक्समैन रहे, पहले भी रहे हैं, जब मैं नहीं कह रहा हूँ पहले हमारा कॉल अच्छा था और आज जो पत्रकार हैं वो सब गलत काम कर रहे हैं या एंकर स्पोक्समैन नहीं है, हाँ ये है कि उनका खुद का, जैसे साचा जी ने बहुत अच्छा कहा, आशुतोष के साथ इनकी बहस होती है कई बार ये पर्सनल हो जाते हैं, मैं अभी भी इनके कह रहा हूँ कि पर्सनल तो होइए, पुराने आप जानते भी हैं एक दूसरे की कभी, लेकिन जब आप चर्चा कर रहे हैं तो वो अब दूसरे फ्रंट पे मान लो चले गए, तो आप उनको स्पेस दीजिए। असली समस्या मेरा मानना है कि स्पोक्समैन का रोल सबसे बड़ा यही है कि, और पॉलिटिकल का भी, आप दूसरों को स्पेस देंगे तो आपको भी स्पेस मिलेगा, खाली आप जब स्पेस नहीं देंगे, खाली अपना ही दादागिरी करेंगे, तो आपकी भी इमेज, आप पब्लिक में भी सर्वे, चूँकि मैं भी आप साधारण लोगों से भी बात करते हैं ना हम, और आप वो भी कहते रहे क्या चिल्पुचू होते, चलो आप अच्छा है ना, आप चुप बैठते हैं थोड़ा ठीक रहता है, तो मुझे लगता है कि ये लोग, मैं नेता मित्रों को भी बताता हूँ जो स्पोक्समैन या पार्टी के लाते, दुर्भाग्य इस समय ये हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि पार्टी ही कहती नहीं बायकॉट कर दो इस समय, जैसा कांग्रेस ने किया, ये बड़ा दुखद है, एक बड़ी नेशनल पार्टी, ये सपा ने भी बीच में किया, जबकि मैंने कहा ना मुलायम सिंह नहीं करते, लेकिन अखिलेश जी को मान लो किसी ने सलाह दिया होगा कि अरे आप मत जाइए चूंकि आपकी बात नहीं सुनी जाती वहाँ पर, ये तो ऐसा जगह है जहाँ पर आपको कम बोलने देंगे, अब उनके ब्याह पर दूसरे लोग आते हैं, क्योंकि उसको तो चैनल का काम, ये जो बार बार कहते नहीं दिखा रहे, आप देखिए कितना ही सरकार कोई भी हो, बार बार क्रिटिकल बुलाने के लिए लोग बुलाए जाते हैं, तो उनका पक्ष तो बेहतर है कि आपकी पार्टी का जो आदमी कमिटेड है, एक तो उसका प्रोजेक्शन होता है कि लोग मनीष तिवारी को ज़्यादा देखेंगे उनके, आपको आश्चर्य होगा अभी नहीं, इस बार तो चुनाव जीत के आ गए तो हाउस में है, थोड़ा सा उनको बोलने दिया जा रहा है, दुर्भाग्य ये था कि बीच में उनको स्पोक्समैन से ही हटा दिया गया था, कुछ उनके प्रति जो नाराजगी जैसे लीडरशिप की होती है, ये पार्टी का अजीब तरीका रवैया होता है, ये पार्टी पर डिपेंड है ना, और ऐसे ही चैनल का है कि आप कहें नहीं फलाने को ही भेजिए, आप उन्हीं को भेजिएगा, ये चैनल का काम नहीं है, वो पार्टी भेजे। एक जरूर अनुराग जी समस्या आ गई है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने सोचा कि प्रवक्ता बना दिया जाए, उससे भी कई बार डाइल्यूट हो जाता है चीज़ों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे दोनों से पूछ रहा हूँ, एक मिनट आलोक जी, बिकॉज आपने बीजेपी की, हमने प्रवक्ता की बात की, मैं दो प्रवक्ताओं के बारे में पूछना चाहता हूँ, एक तो अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरे रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए। बताया आपसे बड़ा कठिन सवाल है, और यह सब बाहर टीवी रिकॉर्ड होता रहता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दोनों ही हमारे मैंने वो रहे हैं, अभिषेक जी तो थोड़ा उम्र में बड़े हैं उनके मुकाबले में, मतलब हमारे मित्र होने के नाते, मैंने लक्ष्मण सिंघवी जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए यदि अभिषेक जी पर टिप्पणी करने का ये कि वो वकील हैं, देखिए अरुण जेटली जी भी वकील थे, वो एक डिफरेंट थे, अभिषेक सिंघवी जी
जो पार्टी में सलाह देते हैं एक सोबर्टी के साथ अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कई बार लगता है ना कि कमिटमेंट से ज़्यादा वो एग्रेसिवली अपनी बात को एक वकील के नाते वो केस लड़ने लगते हैं। अच्छा, तो सिंघवी दलील दे रहे हैं। हाँ, मतलब वो वकील की तरह होना के बजाय आपको यदि कहे कि आप वकील का तो काम है ना कि झूठ को भी आप झूठ बोलते रहिए जैसे आपने कहा। और रणदीप सुरजेवाला, चूंकि देखिए वो हरियाणा में रहे, उनके पिताजी बड़े अच्छे नेता थे, उनमें वो ऊंचाई जो आनी चाहिए थी, जैसे मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी यहाँ होती तो शायद और भी अच्छा होता, एक दो बार हम कह चुके। तो वो कई बार क्या होता है, उनको लगता है बिटरनेस, जो हरियाणा में देखिए ना बंसीलाल भी थे, हम लोगों ने देखा उस समय इमरजेंसी के डेज में जरूर वो बहुत रहे, लेकिन हुड्डा है मान लीजिए उसी के, या शैलजा जी हैं उसी प्रदेश की, वो एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करती। हुड्डा जी के खिलाफ मैंने बोला, अभी हरियाणा चुनाव में बोला, लेकिन उसके बाद भी जब वो मिले हैं और उनके परिवार के लोग, उनके दीपेंद्र हुड्डा भी मिले हैं, तो कहीं कड़वाहट नहीं दिखाई देती। सुरजेवाला जी इतना रिएक्ट करते हैं कि अनुराग जी आपने शाजिया जी को बुलाया तो मतलब ठीक है, आप मतलब आप हमारे दुश्मन ही होंगे, ये बड़ा अंतर है। और ही इज़ हेडिंग दी मीडिया सेल, तो ये अंतर हो गया है। और अभिषेक जी तो मेरे कहा ना, वो तो ठीक है, वो तो ममता बनर्जी का भी वकील बन सकते हैं, वो किसी के तो वकील के रूप में, तो इसलिए उनको उस रूप में माना जाना चाहिए कि वो ठीक है। सो बड़े बल्कि उनका मीडिया के साथ हैंडलिंग में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक लाइन और मैं बता दूँ, एक उनका जो मीडिया के प्रति जो अच्छा होना चाहिए, जो रिपोर्टर जो मुझे बताते हैं, यदि वो सुने कभी उनको भी और भी मिलेगी तो कहूँगा मैं, वो उनके साथ भी ये बांधते हैं कि भाई अरे ये क्या है, तो मालिक मतलब अनुराग जी मुझे जानते हैं तो ये कौन, प्रियंका कौन, इससे क्या बात, बाहर बैठो भाई, पानी भी नहीं पूछते। ये एक जो लक्ष्मण सिंघवी के परिवार का या पार्टी के नेता के नाते भी एक उनके प्रति, यदि वो चैनल का रिपोर्टर है, चैनल का एडिटर है जो है, ज़रूरी नहीं कि आप शिखर वालों से ही बात करें, ये उनका थोड़ा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बहुत दो बहुत ज़रूरी चीज़ें आपने कही हैं, मुझे लगता है हम सब लोगों को इससे सीख लेनी है, और मैं इसको किसी भी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं बनाऊंगी। सबसे बड़ी बात आपने कही कि किस सिंसेरिटी, एक आप लीगलिस्टिक आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं, लेकिन आप वकील हैं, लेकिन उस वक्त आप प्रवक्ता हैं, और एक प्रवक्ता सबसे बात करता है, अपनी पार्टी के लोगों से भी, विपक्ष के भी लोगों से भी, और वो लोग भी जो मन बना रहे हैं। तो अब आपसे वकीली दलीलें अगर आप देंगे तो शायद वो सब तक ना पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी सीख है। तो आप टेक्निकल बातों में अगर उछल जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। दूसरी अपनी चीज़, बिटरनेस होना, ये मैंने खुद बाकायदा इसको एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगता है सब एंकर्स को भी, स्पोक्सपर्सन को भी, और आपसे एक क्लास लेना चाहिए आलोक जी, कि हर वक्त आप पुरानी चीज़ों को ला कर हर बात में वही चीज़ों को, तो आपका वो एक लीट मोटिव हो जाता है, हर बात में मेरे साथ ही हुआ था, आपने किया था, तो अब मैं उसका बदला ले रही हूँ। नहीं, आप उस वक्त अपने लिए नहीं हैं, अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को बेहतर समझाने के लिए, अपना पक्ष अच्छे से रखने के लिए, अपने को हटाकर किसी एक बड़ी पार्टी और एक पॉलिटिकल फोर्स की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं सबसे बेहतर तरीके से, ये सीखना ज़रूरी है। उसमें बिटरनेस तभी आती है जब ईगो होता है, जब सेल्फ होता है, तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू लर्न। बट यू नो, आई रियली वॉन्ट टू से वन थिंग, बिकॉज वी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई विश वी हैड मोर टाइम एंड मोर पीपल। यू नो, आई रियली मिस द प्रेजेंस ऑफ अरुण जेटली जी, बिकॉज द वे ही हैंडल थिंग्स, ही वॉज प्रेजेंट वेन आमिर खान वॉज ऑन द स्टेज, एंड आमिर खान ने उस बात को कहा, आपको याद होगा, कि मेरी बीवी तो घबराती है कि इंडिया में, जी मेरी बीवी तो घबराती है इंडिया में रहने से अब, कि क्या माहौल हो रहा है, और कि बच्चे को यहाँ पे, मेरे बच्चों को यहाँ पे रहना क्या ठीक रहेगा। तो अरुण जेटली बैठे थे, उन्होंने इस बात को सुना, और उन्होंने बहुत ही आराम से, नरम दिली से उसको रिएक्ट किया, बहुत ही, बोले उनका ये ओपिनियन है, एंड ही हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस इट। ऑफकोर्स उसके बाद सब लोग बहुत वाद विवाद हुए, और मीडिया ने उसमें और तड़का भी डाला, और हम लोग भी उस सड़के के बेट में आ गए, और हम लोग भी कूद पड़े। लेकिन द वे ही मैनेज मीडिया, द वे ही वॉज विद पीपल ऑफ द ऑपोजिशन, द वे ही मेट ऑल द एडिटर्स, इवन दोज एब्सोल्युटली वेहेमेंटली अगेंस्ट हिम, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द मीडिया टीम टिल द लास्ट डे, टिल आई थिंक 10 डेज बिफोर ही डाइड एट आवर सिलेक्शंस, एंड इट वॉज समथिंग टू लर्न फ्रॉम। आई थिंक फॉर एवरी स्टेट्समैन, एवरी लीडर, एवरी स्पोक्स पर्सन, एंड एवरी एंकर, सो टू स्पीक, और रिपोर्टर, द वे अरुण जेटली जी लेड, विथ फैक्ट्स, विदाउट बिटरनेस, विथ अ स्माइल, विथ ह्यूमर, एंड ह्यूमर इज मिसिंग फ्रॉम अ टीवी डिबेट्स। नहीं नहीं, संबित पात्रा बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि आप, नो, ह्यूमर नॉट एट एनी वन एल्सिस कॉस्ट, ह्यूमर फॉर ह्यूमर सेक। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू एंड बाय आस्किंग ऑन दिस, आई वॉन्ट
clear answer and not like we are launching our study, we've ranked all the spokespersons on content, credibility, convincing power and versatility, which means ki Shazia ji economic issues pe kaise bol sakti hai, political issues. So aapke hisab se top two spokesperson kaun se honge? Alok Mehta ji ke top two spokesperson. Hamari list ready hai, main aapko dikha bhi dunga agle hafte, lekin aapke top two spokesperson. कोई बात नहीं को, जो भी आप आलोक जी क्या तो बहुत कम है बने शाजिया जी का तो इसलिए कहना चाहिए आपको कहीं भी नाम रखेंगे तो है शाजिया जी बिल्कुल को रखना पड़ेगा बहुत शीर्ष नंबर पे है उसमें और दो एक्सट्रीम जिसको कहना चाहिए सुधांशु जी हैं क्योंकि उनका एक मैं जैसा बिल्कुल सहमत हूँ कि बड़ा एक बैकग्राउंड है पढ़े हुए हैं वर्सटिलिटी और एग्रेसिवली जब करने के लिए सबित पात्रा का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि वो भी पूरी जबकि वो इतने पुराने नहीं हैं सुधांशु जी के पास ज़्यादा मान लो संस्कृत के भी स्कॉलर हैं ये तो नगर खुद चुनाव भी लड़ चुके हैं और राजनाथ जी के साथ बहुत राजनाथ जी के साथ रहे तो उनको बैकग्राउंड ज्यादा है तो दो उनके हिसाब से बहुत अच्छे हैं और एस्ट्रोलॉजर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब वो तो कह लेकिन उसके नाते भी प्रवक्ता के नाते भी वो पूरा स्टडी करके आते हैं ठीक है दूसरे हैं लेकिन कई बार क्या होता है उनके पास बैकग्राउंड कम होता है तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है वो पार्टी को उतना डिफेंड करने में कई बार दिक्कत आती है यदि वो पहले से तैयार नहीं है तो सुधांशु त्रिवेदी एंड संबित पात्रा टू डायरेक्ट नहीं कांग्रेस के मनीष तिवारी एक तो बोला तीन ठीक है मनीष तिवारी काफी है मेरे तीनों हमारे टॉप पांच उसके अलावा बीच में मेरा ख्याल है कांग्रेस के और कोई प्रवक्ता अभी तो वो भी चली गई वरना उनका नाम लेते हम प्रियंका जी प्रियंका जी का जबकि उनसे हम बहुत डिफर करते रहे कई बार कोई बात नहीं वो तथ्यों पे या वो स्पोक्सपर्सन है उनके हाथ बड़े होते हैं मुझे लगता है कि इसके अलावा और कौन नाम सुन कांग्रेस का कोई नाम शाजिया जी आपकी पार्टी में और आपकी पार्टी के बाद आपके अलावा आप तो है ही मैंने सुधांशु जी का नाम ले लिया अपनी पार्टी में मुझे लगता है वो कांग्रेस के बल्लभ है ना व्हाट्स हिज बल्लभ गौरव बल्लभ ही इज वेरी यू नो हाँ गौरव बल्लभ बहुत अच्छा बोलते हैं रागनी बहुत ज़्यादा बोलती हैं लेकिन जो बोलती हैं अच्छे से बोलती हैं और ओवरऑल मैं चाहे मेरी पार्टी हो किसी और भी पार्टी है हमें लगता है हमें बहुत ज़्यादा सीखने की समझने की अध्ययन करने की ज़रूरत है बहुत हमारे स्टैंडर्ड्स हैं बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा करिए कि सबसे अच्छे और सबसे कमज़ोर मैं बुरा कहना तो ख़राब हो जाएगा डिफेमेटरी हो जाएगा वरना जैसे आनंद शर्मा हैं वो जितना ज़्यादा रेट का एक समय में वो बहुत जमीन यूथ कांग्रेस से आए हैं बिल्कुल बट ही बिकेम सो मतलब बहुत ही बिटरली बात करने लगते हैं है ना वो जो अच्छा नहीं है मेरा ऐसा मानना है कपिल सिब्बल भी हाँ कपिल सिब्बल भी कपिल सिब्बल फिर भी चूंकि वकील की है ना आनंद शर्मा क्या होता है कि वो बहुत मैंने समझते कि मैं बहुत सीधे प्राइम मिनिस्टर ही मैं मतलब हूँ तो डिपेंड करने में तो ऐसा होना भी गड़बड़ हो जाता है कि जब आप ये समझने लगे कि मैं ही रूल कर रहा हूँ और पार्टी चूंकि वो पार्टी के वही वो भी एक तरह से हेड ही है सुरजेवाला जी के अलावा इस समय मीडिया के वो भी इंचार्ज ही रहे अनुराग जी मैं आपसे पूछूंगी हाउ आप कैसे डिसाइड करेंगे व्हाट आर द पैरामीटर्स अगर आप अग्रेशन को जो हमें अपने लंच पे बुलाएंगे उनके नंबर ज्यादा देखिए इंडिया टुडे ग्रुप कई बार हमारे अवार्ड जीतता है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं तो वी ट्राई टू डू इट एज साइंटिफिकली एज वी कैन एंड वी हैव डन सम स्ट्रेस टेस्टिंग ऑन आवर लिस्ट बट वी ट्राई टू पुट क्वांटिटेटिव लाइक ही पार्टी मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता सो प्लीज ऑन On this note, give Shazia ji, who's a voice of balance and is uncompromising on some issues on channels which are, as she says, are indefensible. Please give Shazia Ilmi ji a big round of applause. Please give Alok Mehta ji a big round of applause. Both Alok Mehta ji, who's a Padmashree, and Shazia Ilmi ji were part of the INBA jury this year and part of the INBA jury last year. We only had four jury members that we repeated. They were two of them because they had gravitas and involvement. They were very involved jury members and very knowledgeable. So please give them a big round of applause.